मंडी के बिपासा सदन में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर नूरपुर हादसे में मारे गए 27 बच्चों समेत 30 लोगों तथा सीमा पर शहीद हुए वीर जवानों और पार्टी के कार्यकर्ताओं जिनकी इस दौरान मृत्यु हुई है, उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इससे पूर्व कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार व माफिया राज के खिलाफ विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं तथा केंद्र नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया गया। वहीं 27 दिसंबर 2017 को जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के गठन को प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत करार दिया गया। कार्य समिति के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में उनकी ओर से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे भोरंज की विधायिका कमलेश कुमारी ने अनुमोदित किया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में जहां वर्तमान सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को राज्य के लिए स्वर्णिम विकास तथा जनता के जीवन में सुधार लाने की दृष्टि से ठोस शुरुआत करार देते हुए इस कार्यकाल को उपलब्धियों भरा स्वर्णिम कार्यकाल बताया गया। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां मंडी में शुरू हुई। हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी की अध्यक्षता में, परंतु नूरपुर में घटी दुर्घटना के कारण जिसमें 27 बच्चे और कुल 30 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके कारण वहां पर शोक संतृप्त परिवारों से मिलने के लिए, उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए, घायल लोगों के हालचाल पूछा जाए, उनका देखभाल ठीक से हो, इन सारे उद्देश्यों की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी, शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी और हमारे कांगड़ा के सांसद आदरणीय श्री शांता कुमार जी, यहां से उनका हालचाल पूछने नूरपुर गए। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी भी हमीरपुर से वहां पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली से नूरपुर पहुंचे और हमारे खाद्य पूर्ति मंत्री श्री कृष्ण कपूर और अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी धर्मशाला और शाहपुर से नूरपुर पहुंचे, जो अभी तक इस बैठक में पहुंच नहीं पाए। इस दुखद घटना के कारण हमने इस बैठक की शुरुआत इन बच्चों की आत्मा को शांति देने के लिए और इनके साथ साथ जो पिछले 3 महीनों में देश के लिए शहीद हुए सैनिक और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कुछ कार्यकर्ता स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा, एक शोक प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी ने इस बैठक का शुरुआत करते हुए अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दिन रात कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, परिश्रम किया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, उसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उनसे आगे 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से उसी मोड में आने की अपील की, ताकि हम आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें फिर से 4 सीटें जीत पाए। इस प्रस्ताव में हमने मतदाताओं का, हिमाचल की जनता का, पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देने के लिए धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया।